हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में नेल बाइटिंग, बच्चों का नाखून को चबाना या नाखून को खाना, उसके बारे में बताऊंगा, उसके जो है कॉज बताऊंगा और उसकी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, छोटी उम्र के बच्चे या जो 17-18 साल तक या उससे भी बड़े बड़े लोग जो हैं, वो उनकी आदत होती है कि वो अपने नाखूनों को चबाते हैं और उनको खाते हैं। ये जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये जो इसका जो कॉज होता है वो जनरली हमारा जो माइंड होता है उसकी वजह से होता है। अगर बच्चा स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी रहती है उसको, या कोई दूसरी तरह का उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर वो अकेला रहता है और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो उसको टाइम नहीं देते, या कोई बच्चा ऐसा भी देखा होगा कि वो ज़्यादा जब उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, जैसे पढ़ाई का या किसी और चीज़ का, या कभी कभी जो है वो एकदम से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो वो बच्चे हैं वो नाखून को चबाने लगते हैं और नेल बाइटिंग करने लगते हैं। और ये धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह की आदत बन जाती है और ये 17-18 साल तक ये इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। और किसी किसी केस में देखा गया है कि 17-18 साल के बाद भी बच्चे जो है अपने नाखूनों को चबाते हैं, और नाखून को ही नहीं उसके आसपास की जो स्किन होती है उसको भी वो खा लेते हैं, जिससे वहाँ पर जो है कट लग जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। और ये जो है एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही गलत आदत है, क्योंकि जो नाखून होता है वो पेट के अंदर जाता है और नाखून के अंदर जितने भी जम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, अगर बच्चा नाखून को चबाता है या नाखून को खाता है तो ये बैक्टीरिया और वायरस जो है उसकी बॉडी के अंदर जाता है, और बैक्टीरिया और वायरस जो है उसकी बॉडी के अंदर जाके तरह तरह के जो इन्फेक्शन उसको करता है, जिससे तरह तरह की बीमारी उस बच्चे को लगती है, और उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो इम्यून पावर होती है उसकी बच्चे की, वो भी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी चीज़, ये जो नाखून अगर जो पेट में जाता है तो ये नाखून जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता और पेट के अंदर ही रहता है, और इससे जो है इंटेस्टाइन में इंजरी भी हो सकती है, या जो हमारा ओसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होती है, खाने की जो नली होती है, उसमें भी इससे इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये पेट के अंदर रहता है और आँतों में, पेट में ये तरह तरह के इन्फेक्शन या उसको डैमेज कर सकता है। हमारे जो स्टोमक की वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, उसमें ये जो है हार्म पहुंचा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी गई है। जैसे दूसरे डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे चौक खाना, मिट्टी का खाना, इस तरह से ही जो एक है वो है नाखून को चबाना। और नाखून को चबाने के जो है मैंने आपको हार्म बताया कि इसके क्या क्या नुकसान हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर से नाखून को खाता है बच्चा, उसके आसपास की जो स्किन होती है उसको भी वो चबाने लगता है, वहाँ पर कट लग जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी उससे हो सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा जो नुकसान है, हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे को जो है नाखून खाने की आदत है तो उसको समझाएँ, प्यार से उसको टाइम दें और उसको अकेला ना छोड़ें। अगर उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस है किसी तरह का, उसके अंदर अगर कोई भी वो इस तरह की प्रॉब्लम फील करता है, तो उसको बैठ के उसको समझाना चाहिए, जिससे इस तरह की आदत उसको ना हो, और वो अगर उसको इस तरह की आदत है तो वो इस आदत से बाहर निकल आए। उसको बार बार आप टोकेंगे, समझाएंगे, तो वो बहुत हद तक जो है इस आदत को छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना होगा। इसके अलावा, समझाने के अलावा, उससे बात करने के अलावा, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप देंगे, अगर आपका बच्चा या कोई बड़ा फैमिली में इस तरह का उसको प्रॉब्लम है या हैबिट है उसकी नाखूनों को चबाने की, कुछ बच्चे जो हैं पैर के जो नाखून होते हैं उनको भी चबाने लगते हैं, ये आदत इतनी बढ़ जाती है। तो जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। आप इन मेडिसिन को बच्चों को, अगर किसी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये कंटिन्यूसली देंगे, तो ये उनकी जो हैबिट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
और अगर किसी बड़े को ये प्रॉब्लम है तो आप बड़े को भी ये मेडिसिन जो है दे सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनके जो दिमाग को जो उनका माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, उसके अंदर से स्ट्रेस एंग्जाइटी या किसी तरह की घबराहट बच्चे के अंदर रहती है या कोई वो ऐसा बर्डन अपने ऊपर महसूस करता है जिसकी वजह से वो नाखूनों को चबाता है तो उसमें भी उसको रिलैक्स मिलेगा। ये तीन तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फॉस 3x, ये टैबलेट फॉर्म में आप इसको ले लें, कैल्केरिया फॉस 3x, और छोटे बच्चे को आप जो है इसकी दो दो गोली दिन में तीन बार, और 12-13 साल से बड़े बच्चे को जो है आप इसकी चार चार गोली दिन में तीन बार आपको देना है। छोटे बच्चे को दो दो गोली सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली मुंह में उसके डाल के उससे कहें कि वो चूसे तो वो चूसेगा इसको, या आप थोड़े से पानी में इसको डाल के डिसॉल्व करके भी बच्चे को दे सकते हैं। कैल्केरिया फॉस 3x जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई इसको आपको लेना है। जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बेरिटा कार्ब 3x, ये भी आपको 3x पोटेंसी में लेना है, और इसी तरह से इसकी डोज रखनी है, छोटे बच्चे को दो गोली और बड़े बच्चे को या जो बड़ा कोई अगर इस तरह की उसके अंदर आदत है उसको चार गोली सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार आपको ये देना है। बेरिटा कार्ब 3x पोटेंसी में इसको ले, और दो दो गोली या चार चार गोली एज के हिसाब से आप सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार देंगे तो ये इनका बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट है। पहली जो मैंने मेडिसिन बताई थी वो थी कैल्केरिया फॉस, दूसरी जो मैंने मेडिसिन बताई है वो है बेरिटा कार्ब, और जो तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको लेना है वो है कैल्केरिया फ्लोरिका 3x, इसको भी आपको 3x पोटेंसी में लेना है, वही डोज इसमें रखनी है। छोटा बच्चा है ये 12 साल से कम का तो दो गोली, और 12 साल से बड़ा है तो इसकी चार गोली आपको लेना है। तो इसको लेने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, अपने मुंह में रख के उसको चूस सकते हैं और उसको जो है खा सकते हैं। उसके अलावा जो पानी में आप आधा कप पानी ले लें, और इसी पानी में आप सभी गोली, मतलब छोटे छोटे अगर छोटा बच्चा है तो उसको दो दो गोली सभी तीनों बोतल में से आप डाल के टोटल 6 गोली होगी उसको डिसॉल्व करके वो पानी बच्चे को दे सकते हैं, और बड़े को चार चार गोली, टोटल जो है 12 गोली होती है, एक डोज इसकी बनती है। तो सुबह दोपहर शाम दिन में तीन कंटिन्यूसली अगर आप इसको देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे की जो इस तरह की आदत है या उसके अंदर कोई डिफिशेंसी है, उसके अंदर कोई भी मिनरल डिफिशेंसी है जिसके वजह से भी जो है बच्चे इस तरह से नाखूनों को खाने लगते हैं, या कोई भी उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे इस तरह की आदत है उनके अंदर, फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, तो वो इस दवाइयों से वो उसकी जो एक तरह का जो डिज़ायर होता है नाखून को खाने का चबाने का वो ख़त्म होगा और ये आदत उनकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों ये मैंने आज का वीडियो बनाया था उन लोगों के लिए जो परेशान हैं अपने बच्चों से, जिनके बच्चे जो है नाखूनों को चबाते हैं, और इस नाखून के चबाने से क्योंकि तरह तरह की बीमारी बच्चे में होती है, उनकी हेल्थ जो है प्रॉपर नहीं बनती, उनको जो है खाना नहीं लगता और वो उनका जो है वेट भी कम होने लगता है। तो इन ऐसे इस तरह के अगर बच्चे आपकी फैमिली में हैं तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन से और ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।